यवतमाल जिले के दीगरा शहर में जामा मस्जिद की मिल्कियत और मस्जिद से जुड़े आर्थिक मामलों में कथित अफरा तफरी को लेकर मचा बवाल अब आरोप प्रत्यारोप के बवंडर में तब्दील हो चुका है। जामा मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के समर्थन में जहां गौस खान लाला ने मोर्चा खोलते हुए पूर्व नगर सेवक जावेद पहलवान पर मस्जिद की जमीन खेत मकान और अन्य संपत्ति पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया है, वहीं इसके जवाब में जावेद पहलवान ने भी पलटवार किया है। जामा मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के समर्थन में जहां गौस खान लाला ने मोर्चा खोलते हुए पूर्व नगर सेवक जावेद पहलवान पर मस्जिद की जमीन खेत मकान और अन्य संपत्ति पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, वहीं इसके जवाब में जावेद पहलवान ने भी पलटवार किया है। इन लोगों के मस्जिद के मेंबर वन के ऊपर में, सचिव के ऊपर में, अध्यक्ष के ऊपर में जो इल्जाम लगे हुए हैं वो न्यायिकी झूठे हैं। अब रहा सवाल, इन्होंने गबन किए करके उनका इल्जाम है, उनका गबन सुन लीजिए। अभी हाल ही में एक महीना पहले 54,000 रुपये रफीक पहलवान ने किराया लेके गए, उसका स्टाम है किराएदार का, कि मेरे पास से 54,000 रुपये लेके गए। उसके बाद में LIC के पास में जामा मस्जिद की जगह है वहां पे कब्जा कर लिए। दूसरा, मरी माँ के पास में एक मकान था, वो मकान उन्होंने हलासी में नगर पालिका से लिए 1 रुपये में और वो मकान बेचे 2 लाख रुपये में, ये उनका गबन है। 18 एकड़ जमीन जावेद पहलवान का नाना मावस नाना उसने जामा मस्जिद की हड़प कर लिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड से जो सीलिंग में जमीन गई थी जामा मस्जिद की, उस जमीन के 7 खेत थे वो, उसमें से हमने 3 केस का फैसला हमारी तरफ कर चुके, 4 केस का फैसला भी बाकी है जो विचाराधीन है न्यायालय में, चल रही तारीख है उसकी। हम जाके वक्फ बोर्ड के यहाँ से तारीखा करते, उनके ऊपर में नोटिस निकलने के बाद में वो 1 तारीख पर भी हाजिर नहीं हुए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री कोई जवाब देने के लिए नहीं है। पता नहीं मुझे वो क्यों इल्जाम आपसे कर रहे, क्यों ऐसा जुल्म कर रहे, क्यों मुसलमानों को गुमराह कर रहे, क्यों अल्लाह के घर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, ये अल्लाह जाने। बाकी हम लोग पाक और साफ और बेदाग हैं, हमारा इसके अंदर में 1 पैसा नहीं। और दूसरी बात सुनो, हम मोदी के जाने वाले हैं, हम किसको खान देते खाते भी नहीं, तो किसको खान देते भी नहीं, खान देते नहीं चाहिए, और वो लोग खाने वाले। पहली बात तो जैसा उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई जो 18 एकड़ जो खेत है भवानी के पास का, वो मक्ते से खेत दे वाला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई वास्तव भी नहीं उसके अंदर। एंड जिसको खेत जैसा दे वाला आज भी जो है जामा मस्जिद ट्रस्ट का ही नाम है उसके अंदर, एंड उसके अंदर उन्होंने दे वाला है मक्ते से, हाजी हारून आबाद तैयब ने दे वाला है, आगे वाले को दे वाला कम से कम दे वाला है उसको, आज कम से कम 25-26 साल से दे वाला है मक्ते से खेत। सातबारा किसके नाम, सातबारा जामा मस्जिद के नाम से उसका आज भी जो है उसके अंदर। उसके बाद जैसा जो मोदी भक्त है, समझेगा नहीं, जो टोपी पहन के मोदी भक्त जैसा दलाल जो है, जो मोदी भक्त दलाल ने बोला हम मोदी भक्त है दलाल, वो तो वो दलाल ने जो आरोप लगाया कि भाई मरी माई के पास का जो घर है ये जावेद पलान के जैसा, इन्होंने नाना ने ये करे, जबकि मेरे नाना का कोई लेना देना भी नहीं वाप पलान का। आज भी वो शेख जी शेख जमाल के नाम से मकान था, वो किसके नाम पे था, उन्होंने लिए थे हरासी में उसको, अनुभव जामा मस्जिद का नहीं था, वो दूसरे का था, तो उस टाइम उन्होंने हरासी में ले वाला है वाप पलान का, हमारा कोई वास्तव लेना दे जगह से कोई लेना देना भी नहीं कभी जो। तो तीसरा मुद्दा बताया उन्होंने कि तुम्हारा इसका दारुल मदरसे का बताया उन्होंने, कहा पे LIC के पास का, तो आज भी LIC के पास बच्चे मदरसे में पढ़ते हो, वहाँ के लोगों के इसमें हो, कहे के लोग मदरसा चलता वहाँ पे अरबी दारुल मदरसा करके, दारुल मदरसा करके, उससे कोई हमारा वास्तव भी नहीं, मेरा कोई कब्जा भी नहीं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं, मैं कभी जाता भी नहीं वहाँ पे। ये मोदी भक्त ने जो लगाया दलाल ने इसके अंदर, इनके जो है इनके भयो के, इनके जुए मटके के अड्डे गाँव में दारू के धंधे बैच के धंधे है। वो मोदी भक्त को ये बोलो पहले कैसा है, अपने भयो को अपन सुधरो पहले, बाद में लोगों पे आरोप लगाने में चलो, ऐसा मेरा बोलना है उसके अंदर। एक रफीक पलवान का बताया, रफीक पलवान के बताया 54,000 जमात रफीक पलवान ने शहरे काजी को पैसे दिए हो, शहरी काजी की पगार बाकी है, शहरे काजी के 2 साल की पगार बाकी है, उसमें रफीक पलवान ने दिया, स्टैम्प भी लिख के लिए वाला है, सोना इलेक्ट्रिक वाले कैसे पैसे लिए, और उसको 100 रुपये स्टैम्प पे कम से कम 10 जनों को सया है उसके ऊपर, जामा मस्जिद ने पैसे ला के दिए और उसके स्टैम्प पे लिख के लिए वाला है उसके अंदर जो। तो और उसने ये भी बोला, उसने एक जने ने उसके अंदर वो शौकत जो है यादगार वाला, हाँ वो शौकत ने बोला कि फलाने के पीछे नमाज नहीं होती करके, जो आदमी ने क्या है जिसके पीछे 100 लोग होंगे समझो, 100 में से अगर नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे उसके अंदर 60 लोग नाराज होंगे, जब नमाज नहीं पढ़ा सकते, पर 95 लोग शेरे काजी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो जामा मस्जिद की संपत्ति से जुड़े विभिन्न आर्थिक व्यवहार के मामले में एक एक कर उजागर हो रहे वार पलटवार के इस सिलसिले में एक बड़े भ्रष्टाचार का निश्चित रूप से संदेह गहरा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की सख्ती से तत्काल जांच होना बेहद जरूरी है ताकि बरसों से जारी कथित आर्थिक गबन अफरा तफरी पर रोक लगाकर इसके लिए जिम्मेदार संबंधित लोगों को बेनकाब किया जा सके। BCN न्यूज के लिए दिगरा से जुबैर खान।